कब आपको पता चला कि आपकी पत्नी का दूसरे के साथ चक्कर है? मैं खुद इस रूम पर देखा। 28 साल का लड़का है और तुम 39-40 साल की हो। अब उसके साथ तू बाइक पर जाएगी, आएगी, वो ब्रेक मारेगा, तुम्हारा छाती उसके पीठ में सटेगा, एक्साइटमेंट होगा। और शादी होने के ठीक एक साल बाद भी हमने अपनी पत्नी से कहा था, हम तुम्हें डाइवोर्स देना चाहते हैं, तुम अलग। पत्नी का आरोप है कि आप उनके साथ गलत बिहेवियर करते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसा क्या हुआ जो आप ऐसा काम करते हैं? देखिए मैडम, एक जगह अगर घड़ा बहुत है तो कुछ न कुछ उसमें हिलडोल होगा ही। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी नहीं है, पारिवारिक जो जीवन जी रहे हैं उसमें थोड़ा मोड़ा तो तू मैं होता है। हमारी पत्नी खुद आरोप लगाई है और हम लोग मारपीट नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा मोड़ा डांट फटकार होता है, ताना वो भी मार देती है, हम भी कभी ताना मार देते हैं। आप किसी भी फैमिली में जाइए तो थोड़ा मोड़ा चलता है। अगर जज भी कोर्ट में जजमेंट तो कर ले, लेकिन उनके घर में भी कुछ न कुछ बात को लेकर के विवाद होता है, तब हर बात को अगर पुलिस थाना तक पहुंचाए तो परिवार नहीं चलेगा। परिवार चलाने के लिए कोर्ट कचहरी कोई सहायता नहीं कर सकता। अच्छा, हमें सुनने में आया है कि आपने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और आपकी पत्नी ने भी आरोप लगाया है कि आपका किसी कामवाली के साथ या किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो इसमें कितना तक सच्चाई है? देखिए, हमारे पास दिल्ली में सर्वेंट दो थी, तो कभी कभी जो है हमारी तबीयत खराब हो जाती तो वो सर्वेंट हमें हॉस्पिटल तक ले जाती और मदद करती थी। तो उसके साथ मेरा पारिवारिक चीज़ था, ऐसा नहीं है कि उसके साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन है या उसके साथ मेरा कोई संबंध बना है। लेकिन हमारी पत्नी को अगर ऐसा था तो शादी को 13 साल हो गए हैं। ठीक, शादी के तुरंत बाद अगर इस तरीके का वो देखी तो पुलिस थाने में कंप्लेन करना चाहिए या साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब 13 साल शादी के हो गए, 13 साल की बेटी है, 13 साल की बेटी है एक, और एक 6 साल की बेटी है, और शादी होने के ठीक एक साल बाद भी हमने अपनी पत्नी से कहा था कि हम तुम्हें डाइवोर्स देना चाहते हैं, तुम अलग रहो। क्यों ऐसा आपने कहा? इसलिए हमने कहा कि हमें कुछ कमी महसूस हुई कि हमारी शादी ही हुई थी, कहे उसको ब्लैकमेल कहें करके हुई, और हम उनको कहे थे कि आप अपना हमारा साथ भी आप छोड़ दीजिए, तो वो रोने लगी, कहे कि नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ नहीं करूँ। तो मेरा ये मानना है कि उस दिन मैंने आपको रख लिया और आप 10 साल बड़े आराम से दिल्ली में रहे। आखिर क्या बात है कि कोरोना के बाद जब हम सीतामढ़ी में आए, सारे लोग भाग रहे थे मैडम कोरोना के, तो कोरोना के कारण हम सीतामढ़ी में आए। सीतामढ़ी में आने के बाद आप कभी ससुराल भाग जाते, हमारे यहाँ नहीं रहती है, तुरंत वो मायके भाग जाती है, फिर मायके वो चली गई, फिर वहाँ से कुछ दिन यहाँ आई, फिर चली गई। तो अब आप कह रहे हैं कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, मैं अलग रहूँगी, तो अब आप बताइए मैडम, इस परिस्थिति में हमारी दो बेटी, मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा मैं शादी कर लूँ क्या, तो बोलती पापा बहुत मारूंगी, मैं शादी नहीं होने दूंगी। तो फिर सवाल उठता है कि हमारे पास दो बच्ची है और दो बच्ची के बाप होने का मुझे सौभाग्य मिला है, और ऐसी हालात में तुम थाना में FIR करती हो, मारपीट का आरोप लगाती हो। झगड़ा झंझट तो पहले भी हुआ, तो पहले क्यों नहीं तुम लगाई, आज तुम छोड़ रही है। अच्छा, आपकी पत्नी आपको डिवोर्स देना चाहती है? हाँ, वो डिवोर्स देना चाहती है। क्यों देना चाह रही है? अब उसको एक लड़का के साथ कुछ है, अफेयर टाइप का है, चलता है। अच्छा, ये मुझे कुछ जानकारी मिली है। अच्छा, कब आपको पता चला कि आपकी पत्नी का दूसरे के साथ चक्कर है? मैं खुद इस रूम पर देखा।
और एक बार वो तीन चार लड़का मेटाफोर्स में वो कुछ नेटवर्किंग का बिजनेस है, तो इसी 2023 के मई, हाँ मई महीना में, मई में वो जो बगल वाले रूम है उस रूम से उस हुई थी और एक तिरिया चरित्र का वीडियो भेजी। तिरिया चरित्र का हम कहें कि क्या बात है, तिरिया चरित्र का वीडियो ये भेजी। फिर देखे कि तीन चार लड़का कुछ देर के बाद रूम में आ गया। आप तो, नहीं थे? नहीं, हम यहीं पर थे। हाँ, तो तीन चार लड़का रूम में आ गया तो हमने पूछा कि ये कौन सा कह रहा है, मेटाफोर्स का एक बिजनेस है तो इसलिए आई हूँ। हम कहे ठीक है, तो हम इसी सुरेश भाई जी जो इस पर बैठे हुए हैं इसी पर हम लेटे हुए थे और वो लड़का सब यहाँ बैठे हुआ था इसी चेयर पर, है ना, और उस साइड हमारी वाइफ बैठी हुई थी वहाँ पर, और सुरेश भाई जी जहाँ पर सोए हुए हैं उसी पर हम ऐसे सोए हुए। और इसके बाद क्या हुआ कि मेटाफोर्स पर कुछ चर्चा चली और इसके बाद वो लड़का सब जब निकला जस्ट ठीक 10 मिनट में ही, ये हमको कह रही 10 मिनट ही नहीं हुआ था, मतलब 5 मिनट समझिए, 5 मिनट वो कह रही है कि मुझे शंकर चौक पर जो है ना कुछ काम है, मैं जा रही हूं। तब मेरा दिमाग ठनका कि क्या बात है, ये तिरिया चरित्र का भी एक वीडियो भेजी है और ये कह रही जाए, तो फिर वो गई और एक डेढ़ घंटा के बाद फिर रूम पर लौटी। तो हमने कहा कि उस लड़का के साथ जो सब आया था उस लड़का के साथ तू फिर बाइक पर गई है क्या? तो कह रही है कि हम कहे झूठ मत बोलना। तो हाँ, तो हम कहे कि क्यों, तुम कही हमको कि उस लड़का के साथ जाना है, वो लड़का चला गया और लड़का चला गया बाहर जो है ना वो मुर्गा वगैरह की दुकान है वहां बाइक लगाया हुआ था एक, और उस फिर क्या किया कि उस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर वो मार्केट में निकल गई। तो सिर्फ उसके साथ गई इसीलिए आपको शक है कि उसके साथ आपकी पत्नी का जो कुछ ही चल रहा है? हाँ, नहीं उसके बाद भी आप सोचिए, मैंने उसको कहा, उसके भाई को भी कहा कि मुझे ये बेकार लगता है, तो कह रहा कि नहीं कि वो तो मेटाफोर्स में है। तो हमने कहा कि ठीक है हम पता लगाते, बाद में हमें पता चला, गाँव से हमने पता लगाया और उसके जो घर मोतनाजे वहां से भी, तो कह रहा कि वो लड़का बराबर मोटरसाइकिल से उसको ले जाना लाना होता है, तो मैंने अपनी वाइफ को ऐसे ही फोन पर गाली देते हुए कहा कि तू उसके साथ वो है जादव, तू मैं कुशवाहा और उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, हो सकता है कि मामा का भी रिलेशन हो या मतलब किसी तरीके का दोस्त हो, ये नाना हो, मामा हो, फूफा हो, रिश्ता कोई है ही नहीं, वो बाहर का लड़का है, वो 27-28 साल का लड़का है और तुम मतलब है कि 39-40 साल की हो, अब उसके साथ तू बाइक पर जाएगी आएगी वो ब्रेक मारेगा, तुम्हारा छाती उसके पीठ में सटेगा, एक्साइटमेंट होगा। मैंने खुलेआम उसको कहा कि जो होता है ना एक्साइटमेंट होगा, फिर उसके साथ तुम रेस्टोरेंट में भी खाइए कृष्णा स्वीट में। तो हाँ, फिर मैंने उसको देखा, सबसे बड़ी गहरी बात तब हो गई जब ये हमारी बेटी रहती थी हॉस्टल में, आर्या पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में, तो हॉस्टल में ये उस लड़का के साथ जाती आती, तो हॉस्टल वाला हमको कहा, हॉस्टल वाला हमें कह रहा है कि वो लड़का हॉस्टल से पहले ही स्कूटी रोकता है और तब आपकी पत्नी आती है आपकी बेटी से मिलने के लिए। क्या बात है, जो हॉस्टल का माहौल खराब हो रहा है, सारे लड़कियां लोग चुटकी लेती है आपकी बेटी से है कि मम्मी आती है, मम्मी आपकी बेटी ने कभी ऐसा शिकायत किया कि पापा मम्मी के इस तरह के बिहेवियर से लोग मुझे हंसता है? हाँ बिल्कुल, वो बाद में हमारी बेटी से उस हॉस्टल के जितने भी लड़कियां हैं बात करना बंद कर दी। हम हॉस्टल में गए, उसका 5 जुलाई का होता है बर्थडे में, तो हमारी वाइफ बोली कि आप खुद जाइए, हम कहे तुम भी आ जाओ भाई साथ में चलेंगे, तो वो नहीं गई। तब मुझे इतनी गिल्टी हुई, वहां पर हम गए तो सिर्फ सुरेश भाई जी हम ही थे उस हॉस्टल में, अब सभी लड़की लोग सोचने लगी कि हमारी बेटी पर भी प्रभाव पड़ा कि सभी लड़की का अगर जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थडे मनता है, तो कम से कम माँ बाप दोनों आते हैं, मम्मी पापा दोनों आते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ा।
तो मैंने बर्थडे मनाया, जन्मदिन बनाया, लेकिन उस हॉस्टल में ये चर्चा का विषय बन गया कि मानवी की मम्मी नहीं आई जन्मदिन पर, और इसके पापा आए, और ये बात और हॉस्टल में चुटकी लेने लगा। आपकी पत्नी भी तो आप पर आरोप लगाई है कि नौकरानी के साथ हो तो आपका गलत संबंध है। देखिए, नौकरानी के साथ वो तो FIR में ऐसा लिखी है कि नौकरानी के साथ मैंने इसको देखी, मैंने